लॉकडाउन के कारण कक्षा 12वीं के विज्ञान की कला संकाय के दो विषयों की परीक्षा होना बाकी रह गई थी। मंगलवार को मनासा क्षेत्र के 13 परीक्षा केंद्रों पर दो पारियों में परीक्षा हुई। नगर में दो केंद्रों पर सुबह की पारी में 346 छात्र छात्राओं में से 342 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं दोपहर की पारी में कन्याशाला केंद्र पर 75 में से 74 ने परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों पर पहले छात्र छात्राओं को सैनिटाइज से हाथ धुलवाए, फिर स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग की, उसके बाद ही प्रवेश दिया। परीक्षार्थी घर से ही मास्क पहनकर आए थे। वहीं आज उत्कृष्ट स्कूल परीक्षा केंद्र पर नगर के कंटेनमेंट जोन से एक छात्रा सुबह की पारी में विज्ञान संकाय की परीक्षा देने आई, जिसके लिए अलग से आइसोलेशन कक्ष बनाया गया। सुबह परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइज किया गया। कंटेनमेंट जोन के छात्र को एम्बुलेंस द्वारा परीक्षा केंद्रों पर लाया गया। दूसरे दिन उत्कृष्ट स्कूल में पहली पारी में 22 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसको लेकर परीक्षा केंद्रों पर अलग से कक्ष बनाकर उन्हें सैनिटाइज किया गया। वहीं छात्र छात्राओं के लिए भी प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई। कंटेनमेंट क्षेत्र से परीक्षा देने आने वाली छात्रा की परीक्षा कक्ष में एक शिक्षिका की ड्यूटी रहेगी, जिसकी पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं परीक्षा के बाद भी शिक्षक का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सुबह 8 बजे ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए। वहां पर शिक्षकों ने सभी के हाथ साबुन से धुलवाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा हर छात्र छात्रा की स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया गया। कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। उत्कृष्ट परीक्षा केंद्र पर 84 परीक्षार्थी थे, जिनमें से दो विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। 82 ने ही विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र की परीक्षा दी। वहीं उत्कृष्ट स्कूल में दोपहर की पारी में भूगोल का एक भी विद्यार्थी नहीं था। वहीं कन्याशाला परीक्षा केंद्र पर 75 में से एक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहा, 74 ने भूगोल की परीक्षा दी। मनासा तहसील में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। काछी मोहल्ले के कंटेनमेंट से छात्रा आज परीक्षा देने आई। मुंबई से संक्रमित होकर आए काछी मोहल्ले के युवक के बाद काछी मोहल्ले के 8 घरों को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया था, जहां से विज्ञान संकाय की एक छात्रा आज उत्कृष्ट स्कूल परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए आई, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा अलग से कक्ष बनाया गया। परीक्षा केंद्र प्रभारी अनिल व्यास ने बताया कि एक कंटेनमेंट जोन की एक ही छात्रा है, जिसके लिए गाइडलाइन के अनुरूप अलग से परीक्षा देने के लिए कक्ष बनाया गया है, जिसे नगर परिषद द्वारा सैनिटाइज किया गया। छात्रा को भी लाने व छोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा अलग से व्यवस्था की गई है। अच्छी तैयारी चल रही है। वैसे 10 दिन पहले टाइम टेबल आ गया था, तो हमने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी थी। आज एक पेपर है, काफी अच्छा गया है, और एक और बात की है, बस आज अकाउंट का है और परसों इको का है। वैसे तैयारी तो पहले से थी, और अभी और ज्यादा टाइम मिल गया था बीच में करने का, तो प्रिपरेशन तो काफी अच्छी रही है। अकाउंट का हो चुका है, इकोनॉमिक्स का बाकी है, परसों है, और आज का पेपर अकाउंट का अच्छा गया।